गुड इवनिंग। ऑन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। गुड इवनिंग। ऑन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे अभिनंदन करता हूं। सभी लोग जो जो जुड़े हैं, नीरज कुमार जी, कॉमेडी टाइम जी, खुशबू कुमारी, संजय, सुप्रिया कुमारी, जो लोग जुड़े हैं इस YouTube चैनल पर, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ऑन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी जुड़ें और आज बिहार मैराथन में, ब्रह्मास्त्र बिहार मैराथन में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी जुड़ें और हम लोग बिहार का क्वेश्चन जो है वो आज बिहार के हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। आप लोगों के सामने बिहार के हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इससे आप जितना पढ़े हैं उतना पढ़े हैं, जितना नहीं पढ़े हैं वो फिर से आपका तैयार होगा और आप जो है वो बिहार बीपीएससी, बिहार सीडीपीओ, बिहार एसआई और अन्य जो भी एग्जाम्स हैं उन सब में आपको यह बहुत फायदा करने वाला है। तो आप जो है जुड़िए ऑन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर और आप ऑन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और आप बिहार से संबंधित, बिहार हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, बिहार हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए शुरू किया जाए बिहार हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन शुरू किया जाए। YouTube पर जितने लोग शामिल हैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ये YouTube का राज तिलक सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो सभी लोग तैयार हैं, YouTube पर सभी लोग तैयार हैं, शुरू किया जाए। आप लोग कमेंट में अपना आंसर देंगे। आप लोग कमेंट में अपना आंसर देंगे और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में अपना आंसर देंगे और मैं शुरू करने जा रहा हूं। ओके, तैयार? तो लेट्स क्रैक इट बोलिए। और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, आपके सामने पहला क्वेश्चन, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, सारण को कब अपराधी जिला घोषित किया गया? सारण को कब अपराधी जिला घोषित किया गया? आपके सामने है सारण को अपराधी जिला कब घोषित किया गया? शुभम कुमार जी, अमरेश सिन्हा जी, विकास कुमार जी, आंसर आपके सामने है सारण को कब अपराधी जिला घोषित किया गया? धनंजय कुमार जी, अंजलि कुमारी जी। तो आप लोग कमेंट में आंसर दें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सारण को कब अपराधी जिला घोषित किया गया? रीना रानी जी, आप लोग आंसर दें, सारण को कब अपराधी जिला घोषित किया गया? आंसर होगा हम बताएंगे 1942 में, 1942 बी आंसर होगा, 1942 में सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया, बी आंसर होगा, बी 1942 में सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया। तो बिहार मैराथन में आप सभी का स्वागत है और पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं आप लोगों से। तो सारण को अपराधी जिला कब घोषित किया गया? सारण को अपराधी जिला 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में घोषित किया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में घोषित किया गया। अगला प्रश्न,
जय प्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जय प्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जय प्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? अगला क्वेश्चन है, जय प्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जय प्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? धनंजय कुमार जी, धनंजय कुमार जी, अमरेश सिन्हा जी, विकास, विकास कुमार जी, रीना रानी, काजल चौबे, धनंजय कुमार जी, संतोष कुमार जी, तो सभी लोग पीयूष कुमार जी ए बोल रहे हैं, मधु भारती भी ए बोल रही हैं, मुरली मनोहर पांडे जी ए बोल रहे हैं, अंजलि कुमारी डी बोल रही हैं। तो जय प्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी, और पटना में इन्हीं के नाम पर जय प्रभा हॉस्पिटल है। जय और प्रभावती, जय प्रभा हॉस्पिटल, इन्हीं के नाम पर जय प्रभा अस्पताल है, जय प्रभा अस्पताल है, इन्हीं के नाम पर जय प्रभा। जय प्रकाश नारायण और उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी, और इन्हीं के नाम पर जय प्रभा अस्पताल है। जय प्रकाश नारायण और प्रभा के नाम पर जय प्रभा अस्पताल है पटना में, ठीक है। हाँ, कंकड़बाग में है पीयूष जी, कंकड़बाग में, कंकड़बाग में है, और उसी में, और उसी के जमीन पर मेदांता बना है, जय प्रभा मेदांता, और मेदांता हॉस्पिटल भी उसी के नाम पर बना है, जय प्रभा मेदांता, उसी के जमीन पर बना है जय प्रभा मेदांता हॉस्पिटल पटना का, पटना का जय प्रभा मेदांता उसी के नाम पर बना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया? सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया? यह बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, और आप लोग, ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया? किसने पुलिस थाने को जला दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? एंसर होगा सी, एंसर होगा सी, जगलाल चौधरी ने, जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को सारण में जला दिया, जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला दिया भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए? गया के कुर्था थाने पर, चार नंबर का आंसर दीजिए, चार नंबर का आंसर दीजिए, गया के कुर्था थाने पर। हां पीयूष जी, आपके जिले का है, आपके जिले का क्वेश्चन है, गया के कुर्था थाने पर कौन झंडा लहराने के क्रम में मारे गए? झंडा लहराने के क्रम में गया के कुर्था थाने पर श्याम बिहारी लाल मारे गए। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, श्याम बिहारी लाल मारे गए। हाँ बिल्कुल सही है, डी, श्याम बिहारी लाल मारे गए। अच्छा अच्छा, संतोष कुमार जी गया से हैं। अच्छा संतोष कुमार जी, तो जानते हैं इस सवाल को ना, संतोष जी, संतोष जी आप भी कुर्था के बारे में जानते हैं, कुर्था के बारे में जानते हैं, संतोष जी कुर्था के बारे में जानते हैं,
हाँ अभी तो शायद लगता है अरवल थाने में पड़ता है। हाँ अभी अरवल में है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये अरवल जिला में है। हाँ अरवल जिला में है अभी। और श्याम बिहारी लाल जो है वो मारे गए, श्याम बिहारी लाल अरवल जिला में है अभी, कुर्था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल आप लोग के सामने, अगला सवाल आप लोगों के सामने आने जा रहा है, बिहार स्पेशल। अगला सवाल, बिहार में संवैधानिक विकास, बिहार में संवैधानिक विकास कब कब आरंभ हुआ, बिहार में संवैधानिक शासन कब आरंभ हुआ, बिहार में संवैधानिक शासन कब आरंभ हुआ, आंसर आपके सामने है। गुड इवनिंग विकास कुमार सिंह जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विकास जी। बिहार में संवैधानिक शासन कब आरंभ हुआ? बिहार में संवैधानिक शासन कब आरंभ हुआ? थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइएगा, आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। काजल चौबे जी, अरे भाई भारत में संवैधानिक शासन कब शुरू हुआ? भारत में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? भारत में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? गजब आप लोग करते हैं तब। 26 जनवरी 1950 ना जी, 26 जनवरी 1950। तो बिहार में कहां अलग हो जाएगा, बिहार में भी तो 50 में शुरू होगा। हाँ डी होगा आंसर, बिल्कुल बिल्कुल डी होगा। हाँ डी होगा साधना प्रिया, अब तो अब जाकर के सही हुआ। संतोष जी आप लोग इधर उधर मारने लगे, 1930 तो 1935 तो 1937 कोची कोची मारने लगे, क्या बात है। डी होगा ना, 1950 में ना शुरू होगा संवैधानिक शासन, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। कॉमेडी टाइम जी, हाँ जब संविधान लागू हुआ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल 1950 में। अगला सवाल तैयार हैं, तैयार हैं? अगला सवाल बिहार का, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा, जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? आंसर होगा ए। ओहो हाँ हाँ हम भी मार दिए, हम भी ये मार दिए। हाँ एकदम सही है, सही है सही है, एकदम सही है एकदम सही। जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले ही डाल दिए थे, चलिए आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा। जयराम दास दौलत राम जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा जयराम दास दौलत राम, एकदम बढ़िया एकदम। सभी लोगों का आंसर सही है, सभी लोगों का आंसर सही है। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा कब, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा कब? आंसर आप लोग चैट में दीजिए,
बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा कब? बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा कब? बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा एकदम बिल्कुल 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 सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। अरे नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गौरव कुमार जी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। हाँ 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 संतोष जी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय किया था, छापामार युद्ध लड़ाई शुरू किया था आजाद दस्ता के माध्यम से। 1942 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया इन लोगों ने नेपाल के राजविलास जंगलों में, नेपाल के राजविलास जंगलों में आजाद दस्ता संचालन किया था अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार लड़ाई चलाने के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार लड़ाई चलाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था और इस छापामार ग्रुप द्वारा तोड़फोड़ करवाया था, अंग्रेजों के विरुद्ध तोड़फोड़ करवाया गया था। अपर्णा प्रिया बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो आजाद दस्ता जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने स्थापित किया था, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने, और ये लोग नेपाल के जंगल से, नेपाल के राजविलास जंगलों से, नेपाल के राजविलास जंगल से, राजविलास जंगल से तोड़फोड़ की गतिविधियां करवाते थे, तोड़फोड़ गतिविधियां करवाते थे अंग्रेजों के विरुद्ध। क्लियर है? हाँ, नेपाल के राजविलास जंगलों से ये तोड़फोड़ गतिविधियां होती थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल, भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया था? भागलपुर में नेपाल में राजविलास जंगलों में आजाद दस्ते का गठन, हाँ हजारीबाग जेल से भागकर, बिल्कुल 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 मुरली मनोहर पांडे जी, हाँ 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 संदीप द्विवेदी जी, 8 का D बोल रहे हैं संदीप द्विवेदी जी, 8 का D बोल रहे हैं। संतोष कुमार जी 4 बोल रहे हैं, संतोष कुमार जी 4 मतलब डी, हाँ। अभिषेक राज जी बी बोल रहे हैं, अभिषेक राज जी बी बोल रहे हैं। विकास कुमार सिंह जी सी बोल रहे हैं, विकास कुमार सिंह जी सी बोल रहे हैं। मधु भारती डी बोल रही हैं, मधु भारती डी बोल रही हैं। अरे भागलपुर में आजाद दस्ता का गठन सियाराम सिंह ने किया था, भागलपुर में आजाद दस्ता का गठन, आंसर होगा ये, आंसर होगा ये गौरव कुमार जी, आंसर ए होगा, सियाराम सिंह ने किया था, सियाराम सिंह ने किया था भागलपुर में आजाद दस्ते का गठन। सियाराम सिंह जी ने सियाराम दल का गठन किया था भागलपुर में, सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था और ये आजाद दस्ता की तरह इनका भी ग्रुप छापामार लड़ाई चलाता था। हाँ सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था। अरे विकास कुमार जी ये रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर के थे, विकास जी रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर के थे। आज से गौरव कुमार जी, आज से नया बैच शुरू हुआ है गौरव कुमार जी, अन एकेडमी पर आज से नया बैच शुरू हुआ है बीपीएससी का, विजय बीपीएससी
आज से नया बैच शुरू हुआ है गौरव जी अन एकेडमी पर आज से नया बैच बीपीएससी का शुरू हुआ है। हाँ, आज से विजय बीपीएससी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉमेडी टाइम जी, श्रीराम दल का जो है वो प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बलिया नहीं था, श्रीराम दल का प्रभाव भागलपुर मुंगेर के आसपास था। हाँ, गौरव जी मेरा कोड यूज कीजिएगा प्लीज, गौरव जी सब्सक्रिप्शन लेने में मेरा कोड यूज कीजिएगा, गौरव जी नीचे कोड लिखा हुआ है Ajay1209, गौरव जी प्लीज मेरा कोड यूज कीजिएगा, नीचे कोड लिखा हुआ है Ajay1209 और आपको 10% छूट मिलेगा गौरव जी, गौरव कुमार जी आपको 10% छूट मिलेगा और मैं आभारी रहूंगा आपका। हाँ गौरव जी, थैंक यू बाबू गौरव जी। हाँ Ajay1209 बिल्कुल गौरव जी, अपर्णा प्रिया थैंक यू आप लोग को, और आप अगर कोड यूज करेंगे मैं आभारी रहूंगा आपका। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भी भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन ने भाग लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहन का क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था? गौरव कुमार जी बहुत शानदार, गौरव जी बिल्कुल सही है, गौरव जी बिल्कुल सही है। हाँ गौरव जी आपका आंसर सही है, गौरव जी आपका आंसर सही है। हाँ मानसी राय आपका भी सही है, अंशु जी आपका भी सही है आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, कॉमेडी टाइम जी सबका सही है, अपर्णा प्रिया आपका भी सही है, हाँ मधु भारती का भी सही है, नीरज कुमार जी का भी सही है, एकदम सही, भगवती देवी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बहन का नाम भगवती देवी, एकदम सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम भगवती देवी, बिल्कुल सही है, हाँ एकदम सही है, सबका आंसर सही है, भगवती देवी एकदम सही है। अगला सवाल आप लोग के सामने, जगत नारायण लाल बिहार के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, इनको गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी, इनको गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? एकदम सही, बांकीपुर जेल, सब लोग का सही है, बांकीपुर जेल में भेजा गया था, जगत नारायण लाल को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था, एकदम सही, सब लोग का सही है। अगला सवाल, जय प्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? अगला सवाल, जय प्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? हाँ राजेंद्र प्रसाद को भी भेजा गया था बांकीपुर जेल में। हाँ, जय प्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? 11 नंबर सवाल, जय प्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? एकदम आंसर डी होगा, सही है, आंसर डी होगा।
आंसर डी होगा, सही है। जय प्रकाश नारायण, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। जय प्रकाश नारायण, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, बिल्कुल। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां हुई? हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु पुलिस की गोली से कहां हुई? झंडा फहराने के क्रम में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहां हुई? 12 नंबर क्वेश्चन, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहां हुई? 12 नंबर क्वेश्चन, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहां हुई? झंडा फहराने के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहां हुई? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहां हुई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहां हुई? विकास कुमार सिंह जी, सही हैं आप लोग, जिनका जिनका सी है सही है, सी सही है, जिनका जिनका सी है सभी लोग सही हैं। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु सिवान में हुई, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु सिवान में हुई, सिवान में हुई फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु सिवान में हुई झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। फुलेना प्रसाद ने सिवान थाने पर फुलेना प्रसाद झंडा फहरा रहे थे, इसी क्रम में उनको गोली मार दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड, जिसमें 7 छात्र मारे गए थे सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्र मारे गए थे, हाँ, ये कब हुआ था सचिवालय गोलीकांड? बिल्कुल सही, सभी लोग सही हैं। 11 अगस्त 1942 को कॉमेडी टाइम जी, 11 अगस्त 1942 को अपर्णा प्रिया, सब लोग सही हैं। गौरव कुमार जी, आकांक्षा सिंह जी, सब लोग सही हैं। संतोष कुमार जी, हाँ, सभी लोग सही हैं। हाँ, स्पेशल पे भी कराएंगे। स्नेहा जी, स्पेशल पे भी कराएंगे बाबू। हाँ, 11 अगस्त 1942 को डीएम, उस समय आर्चर था पटना का डीएम, आर्चर, उसने आदेश दिया, पटना का डीएम आर्चर था, उसने आदेश दिया गोली चलाने के लिए। हाँ, मेंस का भी होगा गौरव कुमार जी, मेंस का भी होगा, पीटी और मेंस दोनों बैच चल रहा है, आज से शुरू हुआ है पीटी और मेंस दोनों। हाँ, डीएम आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सात छात्र मारे गए। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अगला क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था, 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे।
तो बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही, आंसर मैं बता देता हूं, मैं आंसर बता देता हूं। वेरी गुड आकांक्षा सिंह जी, वेरी गुड आकांक्षा सिंह जी नीरज कुमार जी, आप लोग का आंसर सही है। हाँ, गुड इवनिंग आशीष राय जी, गुड इवनिंग आकांक्षा सिंह जी, नीरज कुमार जी, आप लोग का आंसर सही है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे, श्री कृष्ण सिंह। हाँ, कॉमेडी टाइम जी, अंजलि कुमारी, हाँ, अपर्णा प्रिया, एकदम सही है। श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही थे, श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही थे। बहुत अच्छा। किस वर्ष ओडिशा बिहार से पृथक हुआ था? आंसर आपके सामने है, आप चैट में आंसर दीजिए। किस वर्ष ओडिशा बिहार से पृथक हुआ था? संतोष कुमार जी, बहुत बढ़िया संतोष जी। खुशबू कुमारी, बहुत अच्छा। सब लोग बहुत बढ़िया आंसर दिए। 1936 में बिल्कुल बढ़िया है। 1936 में ओडिशा बिहार से अलग हो गया 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। हाँ, 1935 के अधिनियम द्वारा 1936 में, हाँ, 1936 में उड़ीसा अलग हो गया और बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना। हाँ, बिल्कुल। ये एकदम इजी था। अच्छा। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? आपके सामने है क्वेश्चन, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन, ए होगा आंसर, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नहीं, ए होगा ना आंसर, ए होगा, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल। हाँ, ए होगा आंसर, ए, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह पहली बार बिहार में 1937 में जब चुनाव हुआ, 1937 के चुनाव जब हुआ 1937 में, तो कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस के प्रथम जो है वो मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने। हाँ, श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ, बिहार के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी।
जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है किसको? सभी नए अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश के सभी भागों में दंगे हुए, लेकिन बिहार में दंगे नहीं हुए, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? इसका श्रेय किसको दिया जाता है? बिहार में दंगे नहीं हुए, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? इसका श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। आंसर होगा डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कारण दंगे नहीं हुए। इसका आंसर होगा डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कारण सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में सांप्रदायिक की स्थिति ठीक रही, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा, इसका सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है। अगला प्रश्न। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न, पुलिस की गोली से सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहां पुलिस की गोली से आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई? कहां 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु कहां हुई थी? कॉमेडी टाइम जी, बहुत बढ़िया, शानदार कॉमेडी टाइम जी। आंसर दीजिए सब लोग, आंसर दीजिए। खुशबू कुमारी बी बोल रही हैं, कॉमेडी टाइम डी बोल रहे हैं, तारापुर संतोष कुमार जी भी तारापुर बोल रहे हैं, संतोष जी भी तारापुर बोल रहे हैं, अपर्णा प्रिया भी तारापुर बोल रही हैं। तो आंसर हुआ तारापुर। आंसर तारापुर, तारापुर भागलपुर के पास है, तारापुर भागलपुर के पास है ना। हाँ एकदम कंफर्म है कॉमेडी टाइम जी, तारापुर एकदम फाइनल। एकदम बढ़िया जवाब। तारापुर भागलपुर के पास है और यहीं पर पुलिस की गोली से कई आंदोलनकारी मारे गए। तारापुर में पुलिस की गोली से कई आंदोलनकारी मारे गए, एकदम सही। तारापुर में। चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चौकीदारी करबंदी आंदोलन किसने चलाया था? रितेश कुमार जी, लवली राज जी डी बोल रही हैं, रितेश जी भी डी बोल रहे हैं, स्नेहा जी डी। चौकीदारी करबंदी आंदोलन चलाया था किसने? नहीं, आंसर गलत है आप लोग का, किसी का भी। हां, आकांक्षा सिंह का आंसर सही है, आकांक्षा सिंह नीरज कुमार जी। हाँ, बिल्कुल, आकांक्षा सिंह जी, नीरज कुमार जी, सबका सही है। अंजलि कुमारी का भी सही है। अनुराग सिंह ए होगा आंसर, बिल्कुल अनुराग सिंह, एकदम बढ़िया। अनुराग सिंह ने चौकीदारी आंदोलन चलाया था, शाहबाद में भी चौकीदारी आंदोलन चला था। बिहार के किस जेल में
कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। बिहार के किस जिले के जेल में कैदियों ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, कहां पर कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, किस जेल में नंगी हड़ताल की थी, कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी कहां पर? एकदम सही छपरा जेल के कैदियों ने, हां छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, एकदम कंफर्म, एकदम सही। छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। ये लोग बोले थे कि हम लोग अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनेंगे और जब तक हम लोगों को देसी कपड़ा चरखा काटा हुआ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नंगे रहेंगे। और अंग्रेज परेशान होकर के अंततः स्वदेशी कपड़ा उन्हें दिए, तब जाकर के वो लोग कपड़ा पहने, और नहीं तो तब तक वो लोग नंगे रहे थे हाँ बिल्कुल। तो नंगी हड़ताल छपरा जेल में हुआ था। पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? हाँ बिल्कुल कॉमेडी टाइम जी एकदम। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 पटना में कब शुरू हुआ था? पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को अंबिका कांत सिंह ने 16 अप्रैल 1930 पटना में 16 अप्रैल 1930। मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल को रामदयालु सिंह ने शुरू किया था, लेकिन पटना में 16 अप्रैल को अंबिका कांत सिंह ने नखास पिंड में यहां पर नमक बनाया था। हां नखास पिंड में पटना में। फणीन्द्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? अगला सवाल आपके सामने, फणीन्द्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? बहुत बढ़िया, चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल थे। एकदम सही है। रितेश जी सही है, संतोष कुमार जी सही है, अंजलि कुमारी सही है, रितेश जी बिल्कुल सही है, कॉमेडी टाइम जी सबका सही, अपर्णा प्रिया सही है, नीरज कुमार जी सही है, लवली राज जी सही है, आशुतोष सिंह जी सही है, आकांक्षा जी गलत है। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? ये महावीर पत्रिका के संपादक थे, महावीर के संपादक थे। जगत नारायण लाल महावीर पत्रिका के संपादक थे।
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। बिल्कुल सही है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन, हां, बांकीपुर पटना में हुआ था। 1922 में ना गया हुआ था? गया 1922 में हुआ था, 1922 में गया हुआ था, 1912 में बांकीपुर पटना हुआ था। आर एन मधोलकर अध्यक्ष थे, आर एन मधोलकर अध्यक्ष थे इसके, कांग्रेस के, हां, बांकीपुर में, और आर एन मधोलकर अध्यक्ष थे इसके। हां, पूछा था बीपीएससी 66वीं में, बिल्कुल 66 बीपीएससी में पूछा था, 66 में पूछा था ये। आर एन मधोलकर इसके अध्यक्ष थे, और ये, हां, और ये 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 27वां अधिवेशन था, हम लोग पढ़े हैं, 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। अगला, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 1908 में पहला सम्मेलन, पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बिल्कुल सही, पटना में हुआ था, बिल्कुल सही, पटना में हुआ था, पटना में हुआ था 1908 में पहला अधिवेशन, पटना में हुआ था, हां, पटना में हुआ था। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 28 नंबर, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी, बिल्कुल 1906 में, हां, 1906 में हुई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता विलायत अली और इनायत अली थे, बिल्कुल विलायत अली और इनायत अली थे। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता विलायत अली और इनायत अली थे, विलायत अली और इनायत अली थे। और 1830 के लगभग पटना बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था, पटना बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था 1830 से लेकर 1868 तक। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे?
बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? ये आए थे 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में। डी होगा आंसर, डी 1821 ईस्वी में आए थे, डी होगा आंसर। हाँ 1821 ईस्वी में आए थे सैयद अहमद बरेलवी, बिल्कुल बिल्कुल 1821 में आए थे। ये पूछता है, भी आई है, सैयद अहमद बरेलवी बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? नहीं, वो बरेली, बरेली, हाँ यूपी के थे, बरेली के, हाँ हाँ बिल्कुल मुरारी पांडे जी। हाँ बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ इसी पर लिखा गया है, सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था, पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, जिस पर आनंद मठ में चर्चा हुआ है, पूर्णिया। मुंगेर का बहिया ताल, बरहिया ताल है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? हाँ 32 का बिल्कुल सही है, ए होगा। हाँ आशीष राय जी, आशीष राय जी, रितेश कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़हिया ताल, बड़हिया ताल विरोध का मुख्य कारण बकास्त भूमि की वापसी थी, बकास्त भूमि की वापसी थी, बकास्त भूमि की वापसी थी, एकदम बढ़िया। हाँ बकास्त भूमि की वापसी थी। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी, जहां संथालों ने 1955-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। बिल्कुल बी आंसर होगा, बी आंसर होगा, भागलपुर और राजमहल क्षेत्र, बी आंसर होगा, भागलपुर और राजमहल क्षेत्र बिल्कुल सही है, भागलपुर और राजमहल क्षेत्र एकदम सही है, सही है एकदम, आप सभी का सही है। कॉमेडी टाइम जी ये नहीं होगा, बी होगा, कॉमेडी टाइम जी बी होगा, हाँ बी होगा, बी होगा। अंजलि कुमारी, अंजलि सही है, सही है। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहां हुआ था? बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहां हुआ था? 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह, विद्रोह छपरा में हुआ था, छपरा में, छपरा में हुआ था 1857 में, 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में छपरा में हुआ था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? आंसर 35 का दीजिए, 35। पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? एकदम बढ़िया, 35, पीर अली, एकदम सही, पीर अली थे, पीर अली, एकदम सही, पीर अली थे, एकदम सही, पीर अली थे, पीर अली, नहीं नीरज जी, पीर अली थे, बी, पीर अली एक पुस्तक विक्रेता जिन्होंने विद्रोह किया था 1857 में पटना में। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? बिहार में 1857 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? 36 नंबर, 36 नंबर।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, 36 नंबर सबका सही है, एकदम सही एकदम सही एकदम सही, सबका सही। बाबू कुंवर सिंह इनके सिवा कौन हो सकता है, 80 बरस के बाबू कुंवर सिंह के सिवा कौन हो सकता है बिहार में, 80 बरस के बाबू कुंवर सिंह के सिवा। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था, जगदीशपुर में किसने, 37 नंबर जगदीशपुर में किसने गोला बारूद, हाँ बिल्कुल गल बिल्कुल, अरे कुंवर सिंह अमर सिंह कहां के दिए, कुंवर सिंह डी आंसर होगा, डी 37 के डी, कुंवर सिंह ने स्थापित किए थे, बाबू कुंवर सिंह ने स्थापित किए थे बंदूक का बारूद बनाने का कारखाना, तब डी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। एकदम सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, हाँ चाणक्य विष्णुगुप्त। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। बिल्कुल सही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिल्कुल सही चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ अंजलि कुमारी चंद्रगुप्त द्वितीय लिखी है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एकदम सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। एकदम सही शिशुनाग ने। तो इस प्रकार आज यहीं तक फिर मिलते हैं। इस प्रकार आप लोग बहुत बढ़िया भागीदारी किए, आप लोग का बहुत बढ़िया भागीदारी था, बहुत अच्छा आप लोगों ने भागीदारी किया, हाँ बहुत अच्छा भागीदारी किया आप लोगों ने, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत अभिनंदन बाबू, बहुत बहुत अभिनंदन।